हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस 9.5 kg वॉशिंग मशीन का। तो चलो शुरू करते हैं। यह वॉशिंग मशीन मैंने ऑनलाइन खरीदा है। यह वॉशिंग मशीन मुझे बहुत अच्छा लगा और यह ऑफर में भी चल रहा था, तो मैंने इस वॉशिंग मशीन को खरीद लिया है। यह वॉशिंग मशीन मेरे बजट में भी आ रहा था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह वॉशिंग मशीन। इसके फंक्शन इतने अच्छे अच्छे दिए गए हैं और इसमें इतने सारे चीज़ें दी गई है जिससे कि मुझे यह वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसे खरीद लिया। इस वॉशिंग मशीन का पैकेजिंग बहुत अच्छा लग के भेजा था और इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ना पावर की ज़रूरत पड़ती है, न इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसमें बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका डिज़ाइन और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसे आसानी से हम कहीं भी रख सकते हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। इसने सबसे पहले दिया है हमें इंस्ट्रक्शन नोट्स। इसके नोट्स से ही हम इस वॉशिंग मशीन को देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें दिया गया है एक छोटा सा जो सेफ्टी, इसको बोल सकते हैं सेफ्टी। ठीक है, यह सेफ्टी क्या करता है, जब हम वॉशिंग मशीन को में जब कपड़े को ड्राई करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, इससे कि हमारा जो हाथ है वो ना कटे, इसलिए इसको दिया गया है। और इसमें दिया गया है एक एरियल, जो वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, इसे वॉशिंग मशीन पाउडर भी बोलते हैं, इसका यूज अधिकतर किया जाता है। इसमें दिया गया है एक फिल्टर सेक्शन। इसमें क्या होता है, जब फिल्टर करते हैं या फिर जब हम वॉशिंग मशीन धोते हैं तो वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धोते हैं तो इसमें जो रेशा है उसे फंस जाता है। और इसमें दिया गया है ड्रेन पाइप, जिसमें हम पाइप के द्वारा पानी को वॉशिंग मशीन में डालते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रोल सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि फैब्रिक डर्टी लेवल, ड्रेन सेक्शन और बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं जिससे हम वॉशिंग मशीन कंट्रोल किया जाता है। इसमें 5 साल की वारंटी दिया गया है। ठीक है, और इसमें वॉशिंग मशीन जब कपड़े धुल जाते हैं तो लास्ट में जो पानी बचता है उसको यहाँ से निकाला जाता है, इसे ड्रेन पाइप भी कहते हैं। और इसमें एक पावर केबल दिया गया है जिससे कि हम पावर से हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं। यह 9.5 kg का वॉशिंग मशीन है। इसे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं जिससे कि यह वॉशिंग मशीन बहुत स्पेशल बन जाता है। चलो हम शुरू करते हैं, इसके स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसमें क्लॉथ डालते हैं, जो पुराने कपड़े हैं उसको डाल के देखते हैं कि यह कैसा काम करता है। इसमें सबसे पहले वाटर डालते हैं, जब पानी पूरा भर जाता है तो उसके बाद हम इसमें वॉशिंग पाउडर डालते हैं और अच्छे से इसको पानी में मिलाते हैं, क्योंकि इससे कपड़ा जल्दी धुलता है। और इसमें जितना ज़्यादा कपड़ा यूज़ करेंगे उतना ही उसके बराबर ही हम वॉशिंग पाउडर डालेंगे। ठीक है, और इसमें हम कपड़ा डालते हैं। ठीक है, अच्छे से कपड़े को पानी मिला देते हैं। ठीक है, अच्छे से कपड़े में पानी मिला करके इसे हम चालू करते हैं। इसमें टाइमर दिया गया है, टाइमर का यूज़ करके हम इस कपड़े को धोते हैं। जितना ज़्यादा कपड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। अब हम कपड़ा धुल गए हैं, अब बंद करते हैं इसे, देखते हैं कैसे वॉश किया है। यह धीरे 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 धोता है कपड़े को और अच्छे से धोता है। देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या आया है। इसे बहुत सारे कंट्रोल लेवल दिए गए हैं। चलो हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है, ड्रेन करने के लिए हमें इसमें एक ड्रेन कंट्रोलर दिया गया है जिससे कि हम पानी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पूरा पानी बाहर निकल गया है।
और हमारा वॉशिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं अब कपड़ा कैसे दिख रहा है। कपड़ा तो बहुत अच्छा साफ किया है इस वॉशिंग मशीन ने, मुझे बहुत अच्छा लगा इस वॉशिंग मशीन को। अब इसे हम ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर यह वॉशिंग मशीन आपको ख़रीदना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिए गए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह वॉशिंग मशीन और हमारे बजट में भी बहुत अच्छा था, इसलिए वॉशिंग मशीन को मैंने खरीद लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।